जी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 15। ठीक है, दोबारा देखते हैं हमें इसमें जो पॉइंट्स गिवन है, में ए पॉइंट गिवन है, -1, 2 और बी पॉइंट गिवन है 6 और 3 और सी पॉइंट गिवन है 2, -4। देखिएगा एक मिनट, ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखें, उसने खुद कहा हुआ है कि डी जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का, ए मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये हमारे पास शेप है, ये मिड पॉइंट है। हमें क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने रैंडमली चूज कर लिया था, और ई मिड पॉइंट है ए और सी का, ये चीज ठीक है। बाकी सारा काम इसमें वही है, वो डायग्राम में थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जी। देखिएगा तो उसी तरह हम इसको स्टार्ट करते हैं, ए बी सी हमें पॉइंट्स गिवन है एक ट्राइंगल के। अब हम लेट कर लेते हैं डी और ई पॉइंट, लेट डी एंड ई आर वर्टिसेस, सॉरी, लेट डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट ए सी रिस्पेक्टिवली, बिलतरतीब, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए आपके पास क्या है -1, 2, बी 6, 3 और सी 2, -4 जी। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे हम, -1 + 6/2 और 2 + 3/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2, 5/2, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट डी आ गया। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें, -1 + 2/2, 2 - 4/2, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 - 2, इट मीन कि ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लाइन सेगमेंट फाइंड करेंगे डी ई। नाउ डी ई लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो देखिएगा इसके लिए हम क्या करते हैं। अब डी ई फाइंड करने के लिए सिंपल हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लगाते हैं डी ई के ऊपर, x2 - x1/y2 - y1, ये फार्मूला, ठीक है, ई के कोऑर्डिनेट में से हमने डी को माइनस करते हैं जी। तो x1 यहाँ पे कितना होगा आपके पास, 1/2 - 5/2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, -1 - 5/2 का स्क्वायर, सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2, 1 - 5 का स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा -2 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 बचेगा, उसको 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 2 आ जाएगा और उसका स्क्वायर 4 प्लस इधर हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर आपके पास 49 और 2 का स्क्वायर 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 प्लस 49, तो 49 में 6 ऐड कर लें 55, 60, 5 5 4, इन अदर वर्ड्स
65 बाय 2 आ जाएगा। अब हम मालूम करेंगे बी सी, उसके लिए भी सेम फार्मूला लगाएंगे हम, सी के क्वाड्रेंट में से बी को माइनस जी, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो एक्स टू कितना है आपके पास, टू माइनस एक्स वन यहाँ पे सिक्स है, स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस फोर माइनस वाई वन थ्री इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस फोर का स्क्वेयर कितना होगा 16, प्लस सेवन का स्क्वेयर माइनस सेवन का स्क्वेयर 49, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 65। तो अगर आप गौर करें, इम्प्लाइज दैट जो आपके पास बी सी है, ठीक है, वो हाफ है किसका, सॉरी डी ई जो है ये हाफ है किसका, बी सी का। ये देखिएगा डी ई ये हाफ है आपके पास किसका, हाफ है ये बी सी का, और यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये काम जो है ना वो आपने आज के लिए दो क्वेश्चन करने हैं, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।